बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा मजे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी लहसुन गोश्त, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यूनिक डिश है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हमें चाहिए मटन, दो मैंने प्याज लिए थे जिसको बारीक काटा है मैंने, एक कप हमें दही चाहिए, हमें 10 से 12 लहसुन के जवे चाहिए, 3 चम्मच हमें लेमन जूस चाहिए, सफेद धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, नमक भी हम लेंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर हम लेंगे 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर हम लेंगे 1 चम्मच और सब्ज मिर्ची हम लेंगे 6 से 7 बारीक कटी हुई। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो प्लीज फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। अब हमने एक बर्तन में घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने 5 मिनट तक प्याज को घी में फ्राई किया है। अब हम इसमें डालेंगे मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और 10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे प्याज में। अब हमने मटन को 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा पाउडर, सफेद धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्ची। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमने सारे मसालों को अच्छे से मटन में भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम कवर करके 45 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। 45 मिनट जो हो गया मटन को रखे हुए, पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है और मटन भी अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लेमन जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने एक अलग बर्तन में 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाले थे और इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको मटन में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसको मिक्स करेंगे। अब हमारा जो है लहसुन गोश्त जो है वो तैयार हो गया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारा लहसुन गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।